Today we will start from E1 reactions can be stereoselective. E1 के जो reactions हैं वो stereoselective है, यानी steric factor इसमें कितना important है, वो किस तरह से जो steric factor है वो कैसे influence कर रहा है reaction को towards E1. इसके लिए वो कहता है कि E1, अब आपने याद रखना है टू स्टेप mechanism है, ठीक है. अब ये आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये आपको एक टर्शियल अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अब इसकी प्रोटोनेशन हुई और आपको क्या मिल गई है, अल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिली है. इसके पैरेलल जो है वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो किस तरह से है कि यहाँ पर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर मौजूद है और यहाँ पर आपके फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग मौजूद है, ठीक है. अब इसमें भी प्रोटोनेशन हुई और यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिव अल्कीन मिल गई. अब वो क्या कहता है कि अदर्स देयर मे बी अ चॉइस ऑफ टू और मोर अल्कीन प्रोडक्ट दैट डिफर आइदर इन लोकेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डबल बॉन्ड. अब डबल बॉन्ड कहाँ से निकलेगा, अब यहाँ से OH निकला, तो इसके साथ वाली जो नेबरिंग कार्बन है उस ये इस कार्बन के साथ OH निकला अटैच है ना, इसकी नेबरिंग कार्बन ये है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल होगी और इसके दरमियान डबल बॉन्ड होगा. अब यहाँ पर जैसे ये वाला ग्रुप है वैसा ही ये है और वैसा ही ये है, यानी ये तीनों ग्रुप जो हैं वो बराबर हैं, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ सकता है, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी, जहाँ पर भी आ गया वो इक्वलेंट ही स्ट्रक्चर है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू जो है वो मौजूद नहीं है. उसके बाद आप आ जाएँ फिनाइल वाले में, उसमें आपके पास क्या सिचुएशन आ जाती है, उसमें आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पर OH लगा हुआ है. अब इसमें जो है वो सारी की सारी कार्बन जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है. इसमें ये आपके पास यहाँ से OH निकला, इसके साथ ये वाली कार्बन भी मौजूद है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूवल हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है फिनाइल. अब यहाँ से पॉसिबल नहीं है, या यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, यानी आपके पास यहाँ पर जब जो फिनाइल ग्रुप जो बाकर अटैच हुआ हुआ है तो वहाँ पर तो वैसे भी हाइड्रोजन होगा ही नहीं. क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर जो आपके पास उसका रिंग का कोना है वो सी एच होता है, तो वो एच निकलेगा तो वो आकर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा ना, तो अब आपके पास या यहाँ से रिमूवल होगा या यहाँ से, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास इक्विवेलेंट है, यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है. वी शैल नाउ मूव ऑन टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रोल द स्टीरियो केमिस्ट्री एंड रेडियो केमिस्ट्री, दैट इज वेयर द डबल बॉन्ड इज ऑफ द अल्कीन स्टार्टिंग फ्रॉम E1 रिएक्शन, ठीक है. अब आपके पास जो आ जाता है, ये आपके पास जो है ये रेडियो सेलेक्टिविटी में आपने क्या देखना है कि डबल बॉन्ड असल में किस जगह पे बनेगा. अब वो कहता है कि टू रेडियो आइसोमेरिक अल्कीन्स पॉसिबल. अब अगर आपने इस अल्कोहल के मुकाबले में ये वाली अल्कोहल ले ली है, अब इस अल्कोहल में आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, ये आपके पास कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये वाला भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, यानी बीटा हाइड्रोजन इस पॉइंट पे भी मौजूद है और इस पॉइंट पर भी मौजूद है और इस पॉइंट पर भी मौजूद है. तो अब आपके पास ये पॉइंट भी हो सकता है, ये भी और ये भी. कहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा, अब इसमें अब उसने आपको क्या सिचुएशन दी है, एक तो सिचुएशन ये है कि ये यहाँ से OH निकला है और यहाँ से प्रोटॉन निकला है, ठीक है. ये वाली कार्बन से जब यहाँ से निकला है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा. अगर इस पॉइंट पे अभी मैंने इसको मार्क कर दिया कि अगर इस पॉइंट से अब प्रोटॉन रिमूवल हुआ है तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से रिमूव हुआ है तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल सकता है, या इधर भी ये डबल बॉन्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, ये इक्विवेलेंट है. तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन भी मिलती है और एक आपको दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि आपको क्या चीज़ मिले, आपको मिलेगी डाय सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रिजियो
आइसोमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हुई तो एलिमिनेशन ही है, ई वन रिएक्शन ही हुआ है, एक ही स्टेप में हुआ है, लेकिन इनमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड फर्क है, इसलिए एक दूसरे के रिजियो आइसोमर्स हैं। टू स्टीरियो आइसोमेरिक अल्कीन्स अल्कीन्स पॉसिबल। अगर आप इसकी स्टीरियो आइसोमर देखें तो फिर अगर एक ही पोजीशन पे से डबल बॉन्ड बना है, किसी एक पोजीशन को कंसिडर कर दें, सपोज के यहाँ से OH निकला है, अब यहाँ इसके पास ये वाली कार्बन है जहाँ पे बीटा प्रोटॉन होगा, इस कार्बन पे तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगेन वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है कि हर फिनाइल ग्रुप जो है, यानी उसका हर कोना बेंजीन का क्या होता है, CH होता है, और जब CH होगा तो वो हाइड्रोजन जब निकल गई तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है इस कार्बन के साथ जो कि यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो वाहिद पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से ही एलिमिनेशन होगी। जब यहाँ से एलिमिनेशन होगी तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये ग्रुप जो है, अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या ये ट्रांसपोजिशन में होगा या ये सिज में होगा, ठीक है। तो अब अगर ये आपके पास ट्रांसपोजिशन में आ गया है तो ये ई एल्कीन है, और सिज में है तो ये आपके पास जेड एल्कीन है, और ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, और ये दोनों एक दूसरे के रिजियो आइसोमर हैं। स्टीरियो आइसोमर में डबल बॉन्ड की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि किस चीज़ का फर्क होता है कि वो सिज है या ट्रांस है, जबकि रिजियो आइसोमर में आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन पर फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि एक से ज्यादा चांसेस होते, एक से ज्यादा जगह होती हैं जहां से बीटा प्रोटॉन का रिमूवल पॉसिबल है, तो उससे आपको रिजियो आइसोमर्स मिलते हैं। फॉर स्टीरिक रीजंस ई जो है अल्कीन्स, दे आर यूजली लोअर इन एनर्जी, जाहिर है एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन पे हैं तो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, एनर्जी कम होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन कैन गेट फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, अब वो कहता है कि रिएक्शन कैन बी चूजन, किस तरह से चूज विच इट फॉर्म्स, देयर फॉर लाइकली टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ई एल्कीन। अब रिएक्शन जो है वो किस तरह से होगा कि ई यानी जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो आपको ज़्यादा हासिल होगी, तो इसमें आपके पास यही रिएक्शन जो है कि आपको दिखाया हुआ है कि आपको जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो या ई अल्कीन जो है वो 95% मिलती है और जेड जो है वो 5% मिलती है। अब ज्योमेट्री जो है वो किस तरह हमें पता चलेगी कि ये प्रोटॉन जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन किस तरह से लूज करता है। द न्यू पाई बॉन्ड कैन ओनली फॉर्म इफ द वेकेंट पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर अलाइन पैरेलल। किस तरह से पाई बॉन्ड बनेगा? हाँ जी, 6 लोग आ गए हैं। अच्छा, अब वो कहता है कि पाई बॉन्ड किस तरह से बन रहा है कि अगर आपके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल जो है ऑफ द कार्बोकेटाइन एंड ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी वेकेंट जो आपका पाई पी ऑर्बिटल है और जो आपका बीटा प्रोटॉन है उसका जो बॉन्ड है वो पैरेलल है, तो फिर जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। इन दिस एग्जाम्पल देर आर टू पॉसिबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विद पैरेलल ओरिएंटेशन, बट वन इज मोर स्टेबल देन अदर बिकॉज इट सफर्स लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जहाँ पर आपके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल जो है वो बीटा प्रोटॉन के पैरेलल होगा वहाँ पर नया पाई बॉन्ड बनेगा, जहाँ पर पैरेलल नहीं होगा वहाँ मुश्किल से बनेगा, बनना तो है पाई बॉन्ड लेकिन मुश्किल से, तो सिज फॉर्म में जो यह है या जेड फॉर्म में जो है ये थोड़ा मुश्किल से बनेगा, जबकि ट्रांस में जो है ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएगा। अब स्टीरियो सिलेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ ई अल्कीन, नीचे अब आपको नज़र आ रहा है कि ई अल्कीन का मतलब क्या है, ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्म में है वो असल में उसमें क्या मैकेनिज्म हो रहा है, क्यों ये स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से आप डिस्कस करते हैं। ये आपके पास जो है वो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो है, ठीक है, दिस वन, इसी को इन्होंने एक्सपैंड करके खोल के बताया हुआ है। अच्छा, इसमें इस पे जो है प्रोटॉन, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर होगा, प्रोटॉन का अटैक होगा, OH2 ये निकल गया आपके पास से, ठीक।
और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पर आपके से रिमूवल ऑफ वाटर के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, और आपने यहाँ पर जो है वो बाकी मॉलिक्यूल उसी तरह से यहाँ पर दोबारा से H2O का या प्रोटो वाटर का अटैक होगा। और अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पहले तो आप इस प्रोडक्ट को देखिए, जब यहाँ से ये वाटर ने इस पे अटैक किया तो ये प्रोटॉन रिमूवल हुआ और यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया, आपको ये प्रोडक्ट मिले। अब ये सिज है या ट्रांस है ये हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये इन्होंने इस तरह कर्व करके बनाया हुआ है कि आपको नहीं पता कि इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में, ये आपको एक जर्नल रिएक्शन दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि कॉन्फर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कार्बन विथ कार्बन हाइड्रोजन एंड वेकेंट पी ऑर्बिटल अलाइंड पैरेलल। अब इस कॉन्फर्मेशन में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल मौजूद है, किस तरह यहाँ पर इन्होंने आपको ये शो किया हुआ है, ये आपके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल उन्होंने शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और ये किसके पैरेलल है, इस हाइड्रोजन के पैरेलल है, ठीक है, जब इसके पैरेलल है तो इसकी एनर्जी जो है वो लो हो जाएगी और आपको ये लो इंटरमीडिएट मिलता है, और इससे आपको जो है वो फाइनली जो है वो प्रोडक्ट क्या मिल जाती है, ये वाली प्रोडक्ट मिलती है कि इधर से आपको ये ई एल्कीन मिलता है। तो इन्होंने ये बड़ी खूबसूरत डायग्राम है, इन्होंने सारा स्ट्रक्चर जो है वो भी एक्सप्लेन किया है और साथ में ही ग्राफ भी दे दिया है। तो इस ग्राफ में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये आपके पास इस ग्राफ की ये जो आ जाती है पीक्स वहाँ पर आ गई है, ये वाली स्टेज ये है और ये इसकी एनर्जी ये दी हुई है और दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। अब अगर आप फाइनल प्रोडक्ट को देखें, अच्छा यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो पैरेलल जिस प्रोटॉन के साथ पैरेलल नहीं है वो आपके पास इस तरह से जो है वो OH2 करके यहाँ से रिमूवल होगा और आपको ये सिस प्रोडक्ट मिलती है, जेड एल्कीन मिलती है। अब जो आपने नोट करना है वो क्या है कि जेड एल्कीन का एनर्जी लेवल और ट्रांस का एनर्जी लेवल, अब आप देखें नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी एनर्जी कम है और ये जो है ये इसका लेवल क्योंकि ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी यहाँ पर आएगी, इसकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, तो जो आपका ट्रांसफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेमोक्सीफिन, ये अब एक मेडिसिन है, वो कहाँ पर यूज़ हो रही है, इन द फाइट अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, ठीक है, इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स इस्ट्रोजन, द टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एन E1 एलिमिनेशन एंड देर इज नो एम्बिग्विटी अबाउट वेयर द डबल बॉन्ड गोज थ्रू द टू स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म इन अबाउट इक्वल अमाउंट। अब ये कहाँ पर ये फिनोमिना यूज़ हो रहा है, ये एंटी कैंसरस ड्रग जो है उसके उसकी सिंथेसिस में और एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है, और किस तरह से वो काम कर रहा है कि ये जो ड्रग है ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो है इस्ट्रोजन उसको ब्लॉक करती है, और जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है E1 एलिमिनेशन में और आपको जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है। ये अब आगे उस ड्रग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप इसको बस एक नज़र देख लीजिए टेमोक्सीफिन, ये हम फार्मेसी वाले इन सब डिटेल्स को देखते हैं, आपने सिर्फ आपको इस चीज़ से गर्ज नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, आपने इसको आर के तौर पे डील करना है और देखना है कि असल में हमारा जो है वो मेन जो फंक्शनल पार्ट है यानी कहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, हमने जस्ट इसका फंक्शनल पार्ट जो है वो अपनी सामने रखना है, ठीक है, तो ये आपको एक इसकी फाइनल प्रोडक्ट दी हुई है कि ये यहाँ पर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर प्रोटोनेशन होगी और यहाँ पर आकर ये वाला जो फिनाइल ग्रुप है ये आकर अटैच्ड हो जाएगा यहाँ पर,
ओ जो है ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा, यहाँ ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फिनाइल है ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा पूरे का पूरा फिनाइल ग्रुप। और नेक्स्ट स्टेज में सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर E1 रिएक्शन होगा क्योंकि ये अल्कोहल बन चुकी है, अल्कोहल बन गई है तो ये लिविंग ग्रुप के तौर पे काम करेगा। और आपको जो है वो प्रोडक्ट किस तरह से मिलती है, टेमोक्सीफेन के फॉर्म में आपको जो है वो E1 एलिमिनेशन के नतीजे में प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ से OH रिमूवल हुआ है, अब इसके साथ यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन मौजूद है इस पॉइंट पर, यहाँ से वो रिमूवल होगा और ये आपको डबल बॉन्ड मिल गया। बाकी पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो उसी तरह से रहेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अब बनेगा उधर ही डबल बॉन्ड, लेकिन आपके पास ये मॉलिक्यूल में अगर आप देखें ये बल्कि ग्रुप जो है ये अगेंस्ट है किसके, यहाँ पर दो जो है आपके पास फिनाइल ग्रुप वो इस बल्कि ग्रुप वाले कार मतलब इसके साथ एक ग्रुप यहाँ पर ट्रांस में है, ठीक है, ये वाला ग्रुप तो उसी तरह से है ना जो जैसे यहाँ पर है, कि ये जो आपके पास ग्रुप है दिस वन, इसके साथ ये वाला जो ग्रुप है ये तो उसी तरह से है ना दोनों प्रोडक्ट्स में, फर्क कहाँ पर आ रहा है, इस ग्रुप से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक अल्काइन चेन इसकी ऑपोजिट में है और यहाँ पर ये एक दूसरे से ट्रांस पोजिशन पे है, और ये अल्काइल चेन घूम के उधर आ गई, तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, रिजियो आइसोमर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अब आपने क्या किया, आपने स्टीरियो सिलेक्टिविटी की है किसकी, आपने E1 रिएक्शन की, ठीक है। तो अब अगर आप E1 के बाद करते हैं, अच्छा E1 रिएक्शंस कैन बी रिजियो सिलेक्टिव, और अब आपके पास E1 में रिजियो सिलेक्टिविटी किस तरह से होगी, अब ये OH ग्रुप है HBr के साथ और उसके साथ आपने इसको अटैच किया है, जी, अब आपने जब इसको यहाँ पर HBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो अब ये आपका क्या चीज़ है, लिविंग ग्रुप है, इसके साथ अब यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है जहाँ बीटा हाइड्रोजन हो सकता है और यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन हो सकता है, तो आपके पास डबल बॉन्ड इधर आने का भी चांस है और इधर आने का भी चांस है, तो आपको ये प्रोडक्ट भी मिल सकती है और ये प्रोडक्ट भी मिल सकती है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास मेजर है, यहाँ से जो डबल बॉन्ड यहाँ से प्रोटॉन रिमूवल ज़्यादा सूटेबल है तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, क्योंकि ये अल्कीन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है ऑफ द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, मोर सब्सिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अब उसने इन सारी बातों की बुनियाद पर एक स्टेटमेंट दे दी है कि ज़्यादा सब्सिट्यूटेड जो अल्कीन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर, और ये बात आप पहले भी देख चुके हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या कहते थे कि जी टर्शरी कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, प्राइमरी जो थे वो लीस्ट स्टेबल थे। अब यहाँ पर जो है वो आपको क्या बताया कि बट क्वाइट अ जनरल प्रिंसिपल एंड यू हैव ऑलरेडी सीन सेवरल एग्जाम्पल, बट वाई शुड इट बी ट्रू, ऐसा क्यों है कि भाई मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ही ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें उसकी रीज़न क्या बताई हुई है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो मैंने आपको बता दी ना। अब वो कहता है कि व्हेन इट्स एम्प्टी पी ऑर्बिटल कैन इंट्रैक्ट विद द फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ पैरेलल कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, कि जब एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो है वो उसके साथ पैरेलल होगा किसके साथ, कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, दिस इज द
सेम इट इट इज ट्रू फॉर द पाई सिस्टम ऑफ द डबल बॉन्ड. इट इज स्टेबलाइज्ड व्हेन द एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैन इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द पैरेलल सी एच एंड सी सी बॉन्ड्स. द मोर सी सी और सी एच बॉन्ड्स देयर आर मोर स्टेबल द अल्कीन्स. ठीक है, अब वो कहता है कि यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो अगर इंट्रैक्शन में मौजूद हैं या पैरेलल मौजूद हैं किसके, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के, तो फिर स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. अब इसको आप ज़रा एक दफ़ा इन सारी ये जो उन्होंने कहानी बताई हुई इसको हम डिस्क्रिप इक्वेशन की फॉर्म में देखते हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्म में. अब ये आपके पास एक ऐसी एल्कीन है जो कि लेस सब्सिट्यूटेड है. ठीक है, लेस सब्सिट्यूटेड मीन इधर कार्बन हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं और कोई ग्रुप्स नहीं लगे हुए. अब ये इसके इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये इसका पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल. ठीक है, अब वो कहता है कि नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पैरेलल विद पाई स्टार. अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ना ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इन ये किस ये दूसरी प्लेन में है और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है और ये जो है इन प्लेन है. आपको नज़र आ रहा है कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे की, और ये जो है ये आपके पास जो है वो एक ही प्लेन में है. ये तो इस इनकी प्लेन, इस कार्बन हाइड्रोजन की प्लेन फ़र्क है इस पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से. अब ये वाला केस देखिए, यहाँ पर आपके पास जो एल्कीन है वो सब्सिट्यूटेड है. ठीक है, यहाँ पर एक सब्सिट्यूएंट यानी मिथाइल ग्रुप लगा. अब उसी तरह से इन इसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स आ गए. अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन जो था वो पैरेलल नहीं था बल्कि परपेंडिकुलर आ रहा था. यहाँ पर अब आप जब देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, तो अब ये सी एच थ्री है ना यहाँ पर लगा हुआ, तो ये कार्बन है और कार्बन के ऊपर जो है वो क्या है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है और ये इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन फिर इस तरह लगा हुआ है और बाकी ये इस तरह. अब यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है इसका वेकेंट ऑर्बिट, इसका ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपको इसके पाई स्टार के पैरेलल नज़र आ रहा है. यहाँ पर ये चीज़ पैरेलल नहीं थी, यहाँ पर ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है. तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग सब्सटीट्यूशन अलाउ मोर कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन सिग्मा ऑर्बिटल्स टू इंटरेक्ट विद पाई स्टार. ठीक है, तो ये ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो पाई स्टार के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकेंगे क्योंकि ये पैरेलल है. अब ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, इसमें ये आपके पास जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे इन्होंने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए इसके. ठीक है, इसके साथ इधर सी एच थ्री ये लगाया हुआ है, सॉरी इसके साथ जो है वो ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन है और फिर बाकी जो है वो उसके साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं. तो यहाँ पर भी आपको ये पैरेलल नज़र आ रहे और यहाँ पर जो है वो पैरेलल होने की वजह से आपको क्या चीज़ मिलती है, ओवरलैप इनका मैक्सिमम हो जाता है और वो क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ये पूरी जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं ना इस सबको इन्होंने एक बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर दिया है. उसके बाद आप आ जाइए रिड्यूस सेलेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द मोर सब्सिट्यूटेड एल्कीन. ज़्यादा सब्सिट्यूटेड एल्कीन में किस तरह से रिड्यूस सेलेक्टिव जो आपके पास फॉर्मेशन है वो होती है. अब ये आपके पास जो है एल्कीन, सॉरी एल्केन, ये क्या है, टोटली सब्सिट्यूटेड है यानी इसमें ये OH तो लिविंग ग्रुप है ना, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल. अब आपके पास प्रोटोनेशन होगी, ये OH ने निकल जाना है. ठीक है, और OH जब निकलेगा तो सॉरी वाटर की फॉर्म में निकल गया और आपके पास यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड जनरेट होगा. अब किस तरह से जनरेट होगा, ये आपका इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, अब आपके पास दिस इज़ द इंटरमीडिएट फॉर्म. ठीक है, अब इस जो कार्बन है
ये वाली जो कार्बन है, दिस वन जिसको मैंने डॉट लगाई, इसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, दो मिथाइल ग्रुप हैं और एक इसमें हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस तरह से इन्होंने शो किया हुआ है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इधर, आपको इस तरह से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। और वो कहता है कि प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन विच प्रोटॉन इज लॉस्ट, ये प्रोटॉन लूज होता है या ये होता है, आपको उसके हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी। अगर ये वाला प्रोटॉन लूज होता है तो आपके पास डबल बॉन्ड इधर आएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। और अगर आपके पास ये वाला प्रोटॉन जो है वो लूज होता है तो फिर आपके पास यहाँ से लूज करेगा और इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी ये आपके पास दो स्ट्रक्चर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये किस वजह से आया है? ये वाला प्रोटॉन लूज होता है तो आपको ये चीज मिलती है, और अगर दिस वन प्रोटॉन तो आपको ये वाली प्रोडक्ट मिलती है। यानी यहाँ पर कंपटीशन है कि ये वाला लूज होगा या ये वाला। अब जब अगर ये वाला लूज होता है तो ये वाली कार्बन ज़्यादा सब्सिट्यूटेड है, आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी कम एनर्जी है, ठीक है। और ये वाला अगर प्रोटॉन लूज होता है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी है, तो मोर सब्सिट्यूटेड जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। और यही आपने, अब इसमें भी इन्होंने सारा जो है वो ग्राफ की फॉर्म में ये ट्रांजिशन स्टेट बता दी है, और फिर आपको प्रोडक्ट और नीचे एवरीथिंग प्रॉपरली उन्होंने एक ही डायग्राम में उन्होंने जो है ना, इसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया, सारा कुछ उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल। अच्छा ये वाला रह गया, यहाँ पर उन्होंने क्या चीज़ बताई हुई है, उसने बताया कि पार्शियल डबल बॉन्ड हैज़ थ्री सब्सिट्यूएंट्स मोर स्टेबलाइज। अब यहाँ पर जो है वो तीन सब्सिट्यूएंट्स जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होंगे, कौन कौन से? ये आपके पास जो है पार्शियल डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर होगा ना, यानी भी बना बनने और ना बनने के दरमियान वाली सिचुएशन है। तो अब ये भी पार्शियल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल बॉन्ड है, तो वो क्या कह रहा है कि थ्री सब्सिट्यूएंट्स जो है वो यहाँ पर, ये वाला जो थ्री सब्सिट्यूएंट्स वाला है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है E2 हैव एंटी पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट। E2 में आपके पास एंटी पेरी प्लैनर ट्रांजिशन स्टेट हो, पहले तो आपने देखना है कि एंटी पेरी प्लैनर क्या है। अब वहाँ पास 1 मिनट रह गया तो बस एक छोटा सा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो इसकी कॉन्फर्मेशन है, जिसमें आपको उन्होंने जो है न्यूमन्स प्रोजेक्शन की फॉर्म में आपको उन्होंने शो किया हुआ है। जो फ्रंट कार्बन होती है उसको हम शो करते हैं ये डॉट से, और जो पीछे वाली कार्बन होती है उसको हम इस सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। जो पीछे वाली कार्बन है उसके साथ क्या चीज़ अटैच्ड है? पीछे वाली कार्बन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है, ये जो रिंग के साथ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन ये। जो सर्कल के साथ चीज़ें जुड़ी हुई है ना, ये पीछे वाली कार्बन के साथ ग्रुप लगे हुए हैं। तो पीछे वाली जो कार्बन है यानी मॉलिक्यूल को इन्होंने, आपने इस मॉलिक्यूल को पकड़ के इस तरह से करना है अपनी तरफ से सामने ही, कल ना मैं आपको कैम स्केच पे करके बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये आपके पास बैक वाली कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब फ्रंट कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमो ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। तो ये जो दो पोजीशंस है ना, कि आगे फ्रंट वाली कार्बन का ये वाला ग्रुप और बैक वाली कार्बन का ये वाला ग्रुप, ये एक दूसरे के एंटी पेरी प्लैनर हैं, ठीक है। तो अगर तो कोई ग्रुप इस तरह से आ जाता है कि एक बल्कि ग्रुप इधर हो और ये फ्रंट बैक वाली के साथ इसका भी बल्कि ग्रुप इधर हो, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं एंटी पेरी प्लैनर, यानी टोटली जो है ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होता है। तो उसी को आगे